हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड स्टडिंग वेल। सो टुडे वी आर डूइंग क्लास 9th हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई बोर्ड। आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, देन यू कैन ओपन द चैप्टर। इट इज चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसकी ऑलरेडी 6 वीडियोस बन चुकी है। दिस इज गोइंग टू बी योर वीडियो नंबर 7, पार्ट 7। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ठीक है, ये रशिया के अंदर ही रशियन रेवोल्यूशन का ही पार्ट है। बुक के अंदर ये आपका सेगमेंट नंबर 3 होगा, जहां पर ये टॉपिक लिखा होगा द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रशिया। रशिया का अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो बैक एंड डू वॉच द प्रीवियस वीडियो, बिकॉज प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उससे आपको एक कनेक्टिविटी बनेगा और आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेट्रोग्राड। उस समय पर रशिया की जो कैपिटल थी वो कौन थी? पेट्रोग्राड थी। आज की डेट में हम पेट्रोग्राड को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। तो आज की डेट में रशिया के अंदर पेट्रोग्राड का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। सो इन द विंटर ऑफ 1917 की बात कर रहे हैं, 1917 की जो सर्दियां थी उसकी बात कर रहे हैं, उस समय रशिया का कैपिटल क्या था? पेट्रोग्राड था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज देख लेना, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन हो रहा है रशिया के अंदर। और वो रेवोल्यूशन किस लिए हो रहा है? कि एक राजा है जिसका नाम है जार निकोलस 2, उस राजा को हटाने के लिए रेवोल्यूशन हो रहा है। इनिशियली जब रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो किसी के माइंड में एकदम से ये नहीं होता कि हमें मोनार्की को हटाना है, कि हमें राजा को हटाना है। इनिशियली किसी के भी ब्रेन में ये नहीं था। धीरे धीरे चीजें होती गई, जैसे धीरे धीरे लोगों ने बोला, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने बोला कि भाई ड्यूमा होना चाहिए। ड्यूमा मतलब क्या? एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम भी होना चाहिए जहां पर लोग आके अपनी बातचीत करें, विचार रखें। तो और उससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया कि रेवोल्यूशन हो क्यों रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, पेजेंट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। कहीं पे भी रेवोल्यूशन क्यों होता है? जब वहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं होती। इकोनॉमी पूरी तरीके से रशिया की उस समय पर अनस्टेबल है, लोग सैटिस्फाइड नहीं है जार जिस तरीके से काम कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए एक रेवोल्यूशन हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेवोल्यूशन कब हुआ? फेब्रुअरी में हुआ। अब फेब्रुअरी के अंदर 1917 की बात है, ठीक है। लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ वर्ल्ड वॉर डिस्कस की थी। वर्ल्ड वॉर का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था 1914 टू 1918। तो यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने से एक साल पहले 1917 के अंदर इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्राड कैपिटल था उस समय पर रशिया का। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस थी। अब ये रेवोल्यूशन क्यों हो रहा है, उसकी क्या है कंडीशंस है, कंडीशंस ऑफ द रेवोल्यूशन, की कोई भी आंदोलन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, व्हाट वर द कंडीशंस, लाइक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि हम किसी से क्यों लड़ाई करेंगे, क्यों चेंज लेकर आएंगे। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट कंडीशन से परेशान है तभी तो हम चेंज लेकर आएंगे ना। सो व्हाट आर द कंडीशंस? नंबर 1, लेआउट ऑफ द सिटी एम्फेसाइज डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। रशिया का जो एरिया था, मान लो ये जगह है रशिया की, तो वहां का जो लेआउट था सिटी का, जिस तरीके से सिटी बनी हुई थी उसके अंदर डिविजन्स था। ये एक नदी बह रही है यहाँ पर, ये रिवर है, ठीक है, और रिवर का नाम क्या है? नीवा। रिवर नीवा यहां पर है। अब रिवर नीवा के राइट साइड पे, ये राइट है, तो राइट साइड पे आपका कौन था? वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, वर्कर्स क्वार्टर्स थे बेसिकली। और लेफ्ट साइड आपका क्या था? फैशनेबल एरिया, या ऑफिशियल एरिया कह सकते हो, फैशनेबल एरिया,
अब रशिया का उस समय पर जो सिस्टम था वो कैसा था, एक नदी बह रही है, उस रिवर का नाम क्या है, नीवा। रिवर के दो साइड है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ये राइट बैंक हो गया रिवर बैंक के राइट साइड की जगह और ये रिवर बैंक के लेफ्ट साइड की जगह। तो ये लेआउट ऑफ द सिटी क्या एम्फेसाइज कर रहा था, डिविजन्स को, कि डिविजन्स है। तो रिवर नीवा है, राइट बैंक में क्या है, वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज, सारी जो वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज आपकी क्या है, राइट साइड पे। और लेफ्ट बैंक पे क्या है, फैशनेबल एरियाज या फिर आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स ऑफ द विंटर पैलेस वेयर ड्यूमा मेट। ये जो लेफ्ट साइड है ये वो जगह है, ये यहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी है और यहाँ पर हर साल मतलब क्या आपका ड्यूमा मिलता है, जो इलेक्टेड एक बॉडी है जहां पर बात होती है, तो वो ड्यूमा आपका लेफ्ट साइड पे मिलता है। अब आप इमेजिन करो एक कंट्री के अंदर दो डिवीजन कर दिए कि भाई नदी के इस तरफ तो सारे वर्कर्स रहेंगे और इस तरफ फैशनेबल एरिया है, ऑफिशियल्स आपके इस तरफ रहेंगे, तो देखिए ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो यानी कि वहां की सोसाइटी उस समय पर पूरी तरीके से क्या थी, डिवाइडेड थी, और बीच में रिवर नीवा थी, राइट साइड पे वर्कर्स थे और लेफ्ट साइड पे आपका पूरा फैशनेबल एरिया। तो ये सबसे पहली कंडीशन हो गई रिवोल्ट करने की, रेवोल्यूशन लाने की, चेंज लाने की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोग दुखी हैं। अगर हमारी कंट्री में आप इमेजिन करो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो जाए कि रिवर के इस तरफ सारे अमीर लोग रहेंगे और इस तरफ सारे गरीब लोग रहेंगे, तो उस सिचुएशन में पीपल रिवोल्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो सिमिलर मैनर में रशिया में हुआ कि उन्होंने बोला कि रिवर नीवा के इस तरफ वर्कर्स रहेंगे और इस तरफ फैशनेबल एरिया आपका सारा, तो लोगों ने ऑब्वियसली रिवोल्ट करना ही था, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, सिर्फ एक कंडीशन पे तो हम रिवोल्ट नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी कंडीशंस रही होंगी कि हमने रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन लेकर आए फरवरी के अंदर। तो दूसरी कंडीशन ये थी, इन फरवरी 1917 की फरवरी की आपको बात बता रहे हैं कि उस समय पर देयर वर फूड शॉर्टेजेस, खाने की क्या थी, कमी थी, फूड शॉर्टेज था, एंड फूड शॉर्टेज वेयर एट द वर्कर्स क्वार्टर, जो वर्कर्स क्वार्टर थे। अब ये राइट साइड पे आपके सारे वर्कर्स रह रहे हैं, फैशनेबल एरिया में या जो ऑफिशियल लोग हैं उनके पास खाने को है, लेकिन जो वर्कर्स क्वार्टर है वहां पर लोगों के पास खाने को भी नहीं है। एक तो ऐसा सेग्रीगेशन कर दिया कि इधर अमीर लोग रहेंगे बेसिकली फैशनेबल एरिया और ऑफिशियल बिल्डिंग्स, और इधर वर्कर्स रहेंगे। वर्कर्स रहेंगे कैसे, उनके पास खाना ही नहीं है, फूड शॉर्टेज है, तो ये कंडीशन हो गई। और दूसरी बात, विंटर वॉज वेरी कोल्ड, रशिया के अंदर ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है, तो वहां पर सर्दियां इतनी जबरदस्त थी, विंटर्स इतना डेंजरस था, विंटर का कंडीशन, कि ऑब्वियसली लोग वहां पे ठंड से भी मर रहे हैं, खाने को भी नहीं है, और ये डिस्क्रिमिनेशन भी है कि राइट साइड पे ये लोग रहेंगे और लेफ्ट साइड पे ये लोग रहेंगे। तो ऑब्वियसली नाउ पीपल आर थिंकिंग टू मूव टूवर्ड्स अ रेवोल्यूशन, कि एक रिवोल्ट किया जाए। तीसरी हमारी कंडीशन क्या हो गई, कि पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट्री थे, विश टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट इज योर ड्यूमा, बट अपोज टू ज़ार्स डिजायर टू डिसॉल्व ड्यूमा। ज़ार जो आपके राजा थे, ज़ार की डिजायर थी कि हम जो ड्यूमा है उसको डिसॉल्व कर दें। नाउ व्हाट इज ड्यूमा, जो आपका इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो एक बॉडी है, ठीक है, ज़ार बोल रहे हैं, आपके जो राजा है, मोनार्क है, ज़ार ने बोला कि ड्यूमा को हटा दो, लेकिन जो पार्लियामेंट्रीज थे वो विश करते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारी, जो ड्यूमा है उसको हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें। देखो राजा जो है वो ड्यूमा को हटाना चाह रहा है, लेकिन जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट्री एरियन पॉलिटिक्स में बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ड्यूमा रहे, ड्यूमा रहेगा तो हम भी पावर में रहेंगे और हम लोगों का भी कुछ भला कर पाएंगे, लेकिन ज़ार राजा मना कर रहा है कि हमें ड्यूमा नहीं रखना चाहिए। तो आप कंडीशंस को समझ पा रहे हो कि उस समय पर रशिया के अंदर क्या सिचुएशंस चल रही है। पहला कि डिस्क्रिमिनेशन है एरिया में, राइट और लेफ्ट, कि राइट एरिया पे वर्कर्स रहेंगे, लेफ्ट एरिया पे फैशनेबल लोग रहेंगे या ऑफिशियल बिल्डिंग्स रहेगी। तो फिर 1917 के अंदर फूड शॉर्टेज है, खाना नहीं है। दूसरी चीज हो गई कि विंटर वॉज वेरी कोल्ड, ठंड इतनी पड़ रही है। फिर तीसरी चीज हो गई कि जो आपका ज़ार है
वो डिसॉल्व करना चाहता है ड्यूमा को, जो इलेक्टेड बॉडी है, जो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि देयर वर थ्री ड्यूमास व्हिच वर मेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि पहला ड्यूमा बना फिर वो डिसॉल्व हो गया, फिर दूसरा ड्यूमा बना फिर वो डिसॉल्व हो गया, फिर उसके बाद में तीसरा ड्यूमा बना फिर वो डिसॉल्व हो गया। तो ज़ार क्या चाहता था कि ड्यूमा डिसॉल्व हो जाए, बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रिजर्व रहे। तो आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ उस समय पर। सो एज वी आर डूइंग द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, अभी हमने समझा कि क्या क्या कंडीशंस रही जिसकी वजह से लोगों ने वहां पर क्या किया, रेवोल्यूशन किया। अब आगे की सिचुएशन समझते हैं। तो क्या हुआ, ऑन 22 फरवरी लॉकआउट हैपेंड इन फैक्ट्रीज। अब जैसे यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था ना, लेकिन ये लॉकडाउन से थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। उस समय पर क्या हुआ, लॉकआउट हुआ फैक्ट्रीज के अंदर। लॉकआउट क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या कर देता है, फैक्ट्रीज से निकाल देता है। मतलब कैसे निकालता है, जो ओनर है फैक्ट्री का वो बोलेगा वर्कर्स को कि आप सो एंड सो कंडीशन पे क्या करो, साइन करो। एक उनको पैम्फलेट दिया गया या कुछ भी उनको बोला गया कि आप सर्टेन कंडीशंस पे साइन करोगे तभी आप फैक्ट्रीज में काम कर पाओगे, वरना आप फैक्ट्रीज से निकल जाओ। ठीक है, जैसे मान लो फैक्ट्री ओनर है, उसने बोला कि आपको 16 आवर्स काम करना है, 16 घंटे काम करना है। फिर फैक्ट्री ओनर ने बोला कि आपको एक्स्ट्रा वेजेस नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें उनको, ऑब्वियसली वर्कर्स को तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। सो बेसिकली वर्कर्स ने उन चीजों के ऊपर साइन नहीं किया, तो लॉकआउट हो गया फैक्ट्रीज के अंदर। यानी कि एम्प्लॉयर ने कुछ कंडीशंस रखी कि आप इन कंडीशंस पे साइन करो, लेकिन वर्कर्स ने उन कंडीशन पे साइन नहीं किया, सो लॉकआउट हो गया, यानी कि वर्कर्स को फैक्ट्रीज से निकाल दिया गया। पहले ही सिचुएशन वर्स थी, लोगों के पास खाने को नहीं है, फूड की शॉर्टेज है, विंटर्स हो चुकी है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है लोगों को, और आगे क्या हो गया, लॉकआउट हो गया फैक्ट्रीज के अंदर, यानी कि वर्कर्स को निकाल दिया गया फैक्ट्रीज के अंदर से कि अगर आप कंडीशंस को नहीं फॉलो कर रहे तो निकल जाओ आप फैक्ट्रीज से। ठीक है, अब क्या होता है, अगले दिन यानी कि ऑन 23rd of Feb नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 factories कॉल स्ट्राइक इन सिंपथी, कॉल स्ट्राइक फॉर सिंपथी। इन्होंने बोला हमारे साथ बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर कुछ तो सिंपथी रखो, कि ऐसे थोड़ी हमें निकाल दे जा रहे हो, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, ठंड इतनी बढ़ रही है, और ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि राइट साइड पे हम रहते हैं, लेफ्ट साइड पे फैशनेबल एरिया है। तो 50 factories के अंदर वर्कर्स ने क्या कर दिया, स्ट्राइक करा और लोगों को बोला हमारे साथ क्या रखो, सिंपथी रखो, सिंपथाइज करो हमें। तो नेक्स्ट डे क्या हो गया, वर्कर्स ने फैक्ट्रीज के अंदर स्ट्राइक कर दिया। नाउ इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि उस समय पर रशिया के अंदर फैक्ट्रीज में वुमेन भी काम करती थी। सो वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, दिस केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका कब सेलिब्रेट होता है, 8th of March को आपका सेलिब्रेट होता है। तो जब रशिया के अंदर वुमेन ने स्ट्राइक किया, सब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने स्ट्राइक किया, इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो अब आपको स्टोरी भी समझ में आ गई होगी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे बिकॉज रशिया के अंदर उस समय पर जो फीमेल्स थी, जितनी भी वुमेन थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो आगे आई, दे केम फॉरवर्ड एंड दे फॉट फॉर देयर राइट्स। That's why we celebrate International Women's Day, which is on 8th of March. तो women आगे आई। अब क्या हुआ? Workers भी factories के वहाँ पर strike कर रहे हैं, women's भी strike कर रहे हैं, women भी strike कर रही हैं। अब demonstrating workers crossed from factory quarters to the center of the capital. कह रहे जो demonstrating workers है, demonstrating मतलब जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो
आगे आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स। तो कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम दी फैक्ट्री क्वार्टर्स, यानी कि अपनी अपनी फैक्ट्री से निकल के, मान लो मेरी ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से वर्कर्स निकल के कहां जाएंगे, टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। कैपिटल क्या है आपका, पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड के भी सेंटर में जाएंगे और वो जगह का नाम क्या है, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। ये जगह का नाम लर्न कर लेना, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट जगह का नाम है, पेट्रोग्राड कैपिटल है। कैपिटल के अंदर भी सेंटर में एक जगह है नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। अब सारे लोग बेसिकली स्ट्राइक करते करते वहां पर जा रहे हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा ना कि रशिया के अंदर उस समय पर क्या चल रहा है। सो एज वी आर डूइंग दी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, अब हमें पता है कि सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है, लोग रशिया की कंडीशन को देखकर, देखो कुछ भी रेवोल्यूशन होता है वो वहां के कैपिटल में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इंडिया में कुछ भी होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर आता है, दिल्ली में आता है उसका इफेक्ट, ठीक है। तो सिमिलर मैनर में रशिया में कुछ भी हो रहा है तो इफेक्ट कहां पर आएगा, पेट्रोग्राड में, बिकॉज पेट्रोग्राड वॉज द कैपिटल ऑफ रशिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब आगे करते हैं कि एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। अब मैंने आपको बताया कि वर्कर्स अपनी जगह से स्ट्राइक के लिए निकल गए और जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वो किससे सराउंडेड हो गए, वर्कर्स से। यानी कि मान लो ये रिवर है, रिवर के इस साइड आपके सारे वर्कर्स रहते हैं और यहाँ पर आपकी वो फैशनेबल क्वार्टर्स है या जो ऑफिशियल एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका सारा ऑफिशियल एरिया और यहाँ पर आपका सारा वर्कर्स का है। अभी ये वर्कर्स यहाँ से निकल के सारे यहाँ पहुंच गए, तो यानी कि जब फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स में आपके वर्कर्स पहुंचे तो गवर्नमेंट ने उस समय पर क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू मतलब कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, जैसे हम लोगों के साथ अभी लॉकडाउन वाली सिचुएशन में हुआ था, काइंड ऑफ कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वर्कर्स डिस्पर्स्ड इन द इवनिंग रिटर्न्ड ऑन 24th and 25th फेब, यानी कि ये 23rd फेब की बात है। तो वर्कर्स को कर्फ्यू लगाया गया, वहां से निकाला गया इवनिंग को कि 24th और 25th फेब तक वो वापस अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाए, मतलब ये ऑफिशियल वाली जगह पर पहुंचे, वो वर्कर्स को यहां से निकाल के यहां पर वापस भेज रहे हैं जो बेसिकली वहां के पुलिस ऑफिसर्स है वो सब। सो गवर्नमेंट कॉल्ड कैवलरी, हाँ गवर्नमेंट कॉल्ड कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दी वर्कर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या कॉल किया, कैवलरी और पुलिस को बुलाया ताकि वो किस पे नजर रखें, वर्कर्स पे नजर रखें। ऑन संडे 25th फेब गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा, जो सरकार थी उसने क्या किया, ड्यूमा को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। एंड पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट दी सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा। गवर्नमेंट ने उस समय पर जो सरकार थी उन्होंने बोला कि ड्यूमा को हटाया जाए, बेसिकली आपके जार ही ऑर्डर कर रहा है पीछे से, ठीक है। तो जार ने बोला कि भाई ड्यूमा को सस्पेंड कर दो 25th फरवरी को संडे को, लेकिन पॉलिटिशियंस ने इसके अगेंस्ट बोला कि हम ड्यूमा को नहीं हटाने देंगे और ये और वो, ऑल दो गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है।